मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर प्रोडक्शंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और प्री बोर्ड 2023 के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में भी लाभ मिल सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, पूरा देखिएगा। और सामान्य हिंदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर एडिशंस और ये निश्चित तौर पर आप लोगों के विद्यालय में कहीं ऐसा ना हो कि यही पेपर आप लोग को मिल जाए, तो इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो एडिशंस और निश्चित तौर पर आपको ये लाभान्वित जरूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण इस मॉडल पेपर को एडिशंस। प्री बोर्ड का ये मॉडल पेपर नहीं, ये पेपर यही है, यही पेपर मिला है वाराणसी के कुछ विद्यालयों पर। ये देखिए आज का पेपर हुआ है, तो ये प्री बोर्ड का तो ये हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई, प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में, द्विवेदी युग में, प्रगतिवाद में। तो दोस्तों देखिए, नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना हुआ था वो किस में हुआ था, भारतेंदु युग में हुआ था, ठीक है ना। भारतेंदु युग जो होगा वो राइट हो जाएगा। और श्याम सुंदर दास जी जो थे वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे, ठीक है ना। तो नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी, भारतेंदु युग के समय में हुई थी, ठीक है ना। हाँ, जो प्रश्न है निम्नलिखित, और ये वाराणसी में हुआ था दोस्तों, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, देखिए क्या भूलू क्या याद करूँ, दस द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर, ये सभी जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जबकि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा नहीं है। तो ख का जो सेकंड होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, शेखर एक जीवनी तथा बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की कृतियां हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो है वो उपन्यास है, शेखर एक जीवनी जो है वो क्या, एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, ठीक है ना। और बाणभट्ट की आत्मकथा भी हो जाएगा उसी में, ठीक है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देखिए दोस्तों क्या मैंने पहले बताया कि करंट से कुछ चीज़ों को जोड़कर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है भारत की आवाज़, हम होंगे कामयाब, माई जर्नी, अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। देखिए विंग्स ऑफ फायर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक हैं, तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे परमर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक हैं। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किस लेखक ने दिया है, तो दोस्तों देखिए इसमें महत्वपूर्ण नाम जो आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आता है। किसका आता है नाम, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आदिकाल को बीजोपन काल जो दिया गया था लेखक के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्यों में बढ़ते हैं, अष्टाप्य के कवियों का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है, ऋतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और उसके साथ ही साथ आदिकाल। तो देखिए दोस्तों अष्टाप में देखिए लगभग 8 कवियों को शामिल किया गया था और इसमें सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्रे जो थे वो महत्वपूर्ण भूमिका में थे। तो अष्टाप के कवियों का संबंध जो है वो भक्तिकाल से संबंधित है, किससे है, भक्तिकाल से। छायावाद की बृहत त्रयी में कौन सा कवि शामिल नहीं है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला जी हो गए, महादेव वर्मा जी हो गए, सुमित्रानंद पंत जी हो गए। ट्रेडिशन देखिए जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत जी का तो नाम उसमें सर्वोपरि लिया जाता है। देखिए छायावादी युग का बृहत में कौन सा कवि शामिल नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद तो इसमें महत्वपूर्ण है, बताइए कौन नहीं है ये बताना है आप लोग को। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, महादेव वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत और अज्ञे जी को। तो जाके तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा इसका, इन सभी प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिए। कुछ प्रश्नों का आप लोगों को देना जरूरी है ताकि इससे हम लोग का वार्तालाप बना रहे, तो ऑडिशन जाके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा इस प्रश्न का। संस्कृत के चार अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, देखिए ऑडिशन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के चार अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ऑडिशन जब ये बात खत्म हो जाती है तो निम्नलिखित का गद्य अवतरण का आधारित प्रश्न है, यहाँ पर राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को जो ये प्रश्न ऑडिशन, तो वो राष्ट्र का स्वरूप इसके लेखक कौन है बताइए, वासुदेव सरण अग्रवाल जी हैं। तो संस्कृति के विरीत किए गए, तो यहाँ पर राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, जीवन में विपट का पुष्ट। तो प्रस्तुत अध्यांश का पहले संदर्भ, पहले तो क्या लिखना है, गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, पहले तो यही बात याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक है, और हिंदी के कौन से चैप्टर, तो राष्ट्र का स्वरूप, या तो कोई और सब्जेक्ट रहेगा, कोई और पाठ रहेगा, तो फलाने चैप्टर से लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो डेकाने जी है, जो भी फलाने डेकाने नाम रहेगा अपना नाम अपने से याद कर लीजिएगा। और वासुदेव सरण अग्रवाल जी हालांकि इस पैराग्राफ के एडिशंस, तो देखिए इसी के आधार पर आप पढ़ लेंगे आप पैरा को, तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है ना। अथवा मैं देखिए इस प्रश्न जो मैंने बताया एडिशन से पहले ही मैंने एक आप लोग को बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो उस पेपर को भी देख कर जाइएगा, इस पेपर को भी देखिए, कुछ चीज़ें मैच कर रही दोनों में। और इन पैरा को आप लोग सभी जितने भी पैरा सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी मॉडल पेपर प्री बोर्ड मिल रहा है, यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है, छोड़िएगा नहीं इनको। अथवा में देखिए कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, तो ये देखिए प्रश्न एडिशन इस पर आधारित ये प्रश्न है। और चौथा दिया गया जो यहाँ पर चौथा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर, निम्नलिखित
गत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हरिण तुल्य मेरा है। ट्रेडिशन इसके आधार पर ये प्रश्न उसी के आधार पर देखना है यहाँ पर आप लोगों को, और उसी के आधार पर देखिए अथवा में भी ये सुख भोग खोजन ने अंत सब ना आज तुम्हारी ये पूरा देख लीजिएगा एक बार डिस्टेंस, ये भी पहला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी के आधार पर आप लोग को उत्तर भी देना है। और मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये मॉडल प्रोडिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्री बोर्ड का मॉडल पर क्या पेपर ही है, मैं पेपर का डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ। तो व्याख्या करनी है यहाँ पर, देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर दोनों में देखिए, दोनों जो मॉडल पेपर मैंने दिखाया तो उसमें वासुदेव सरल अग्रवाल जो है वो कॉमन देखिए, तो इसका मतलब वासुदेव सरल अग्रवाल को एकदम छोड़िएगा मत। किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए देखिए, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैत्री सरगुप्त, तो इसको भी देख लीजिएगा। पंचलाइट एवं ध्रुवतारा कहानी का अथवा बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है डिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और पंचलाइट और बहादुर ये दोनों को मैंने बहुत जो है अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है ना, केवल कुछ भी नहीं है, 5 मिनट का लेक्चर आप सुन लेंगे तो समझ लीजिए आपका तैयार हो गया वो, ये पेपर आउट है डिस्टेंस पहले से, 6 नंबर तो आप लोग पहले से ही समझ लीजिए आप लोग के पास है। रश्मिरथी खंडकाव्य के नायक का उचित चित्र लिखे, देखिए यहाँ पर कर्ण महारथी कर्ण के बारे में बात किया गया है, और कर्ण को भी डिस्टेंस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है रश्मिरथी में, रश्मिरथी खंडकाव्य में, तो उसे देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये एक मॉडल पेपर जो आप लोग का था उसमें भी देखिए, ये जो आप लोग का आया हुआ था उसमें संस्कृत के गद्दा उतरण वाले में, तो यहाँ पर भी देखिए इसमें आ गया, ये तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्टेंस, महामना मालवीय जी का, इसको छोड़िएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मौसम भी जाहिर है ठंडी वंडी पड़ रही है, तो अपने ठंडी के हिसाब से भी आप लोग डिस्टेंस देखिए, ज़्यादा नींदें लगेंगी आप लोग को, लेकिन आप लोग को उससे भी बचना है, औषधि भी करना है, और स्वास्थ्य पर अपने ध्यान रखते हुए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बेहतर करना है। श्लोक का संदर्भ से व्याख्या, विद्या विवाद धन समदाय शस्त्रति परेशान पड़ेतन खलश साधो विपरीतन नेव क्या ना दानम च रक्षणाय। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर ये सुक्ति से लिया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुभाषी रत्नानी वाला जो, तो विद्या जो है विवाद के लिए, जो दुष्ट लोग प्रवृत्ति वाले होते हैं तो उनका विद्या विवाद के लिए, धन जो होता है वो मदिरा या नशा वगैरह के लिए, फालतू कामों के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं, जबकि इसके विपरीत क्या होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, वो विद्या ज्ञान के लिए, और जो धन है वो दान के लिए, और जो शक्ति होता है वो दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अथवा में देखिए, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा रामृत्य भयम नास्ति ये शाम कार्तितनो क्वचित। तो ये डिस्टेंस है, देख लीजिएगा इसको एक बार आप लोग अच्छे से। महावरे हम लोग को तिया देखे दिया गया, आंखों का तारा होना, घी के दिए जलाना, एक अनार 100 बीमार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती करके दूसरों को डांटना, घी के दिए जलाना तो उत्सव मनाना, आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, एक अनार 100 बीमार, किसी एक चीज के लिए कई लोग परेशान है। महादेव का संधि विच्छेद, महोदय महोदय का संधि विच्छेद कीजिए, तो महोदय महाधन उदय, महाधन उदय थोड़ी सी बताइए कौन सही है, महाधन उदय देखिए पहले मिल गया आप लोग को, महाधन उदय उदय तो महोदय हो जाएगा, महाधन उदय हो जाएगा आप लोगों का, ठीक ना, ये दोनों तो एक ही विकल्प हो गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा उद्गम है, इत्यादि इतिधन आदि हो गया आप लोगों का ये, ठीक ना, इतिधन आदि। आत्मने का आत्मनों में विभक्ति और वचन बताइए, चतुर्थी ये जो भी इसमें रहेगा वो नामसु में कौन सा है, तो ये देख लीजिएगा डिस्टेंस, नीर नीर, तो ये इसका जो है सही चयन जो रहता है कुल कुल, तो यहाँ पर इसका देखिए ये है, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में किसी एक का जो है अर्थ लिखना है, शब्द का चयन करके लिखिए, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, अनंत का, तीर का, काल का, तो ये किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है ना, पर्यावाचिक तरह देखिए यह है इम्पॉर्टेंट आप लोग का। जिसने देश के साथ विश्वाघात किया हो, विश्वघाती, बागी, देशद्रोही, विद्रोही, देशद्रोही हो जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो ना, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, अपूर्व, भविष्यपूर्व, ठीक है, जो पहले नहीं हुआ बताइए कौन सा इसमें से होगा सही आप लोगों का। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों के शुद्ध करके लिखिए डिस्टेंस, देखिए आज ये वाक्य दिया गया उसी में जो सही रहेगा उसको छाट कर आप लोग को लिखना है। शांत एवं कड़ुरस हो गया, यमक और उत्तेच्छा हो गया, सोठा अथवा रोला हो गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस किसी एक का लिखकर उसका एग्जाम्पल आप लोग को बताना है। नगर में देखिए यहाँ पर जो मिला आप लोग को कोई निबंध हो, ये जैसे हो गया आप लोगों का कोई भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगर में नगर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के बाद हुए जल जमाव एवं गंदगी कारण रोग संक्रमण रोग फैलने के ये एक पत्र लिखना है। पत्र नहीं लिख पाते हैं आप लोग, तो डिस्टेंस देखिए एप्लीकेशन हो गया, प्रधानाचार्य का आवेदन पत्र लिखना है ना, तो ये है दोनों आप लोग देख लीजिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर निबंध, निबंध अक्सर आप लोगों का छूट जाता है डिस्टेंस, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इस प्रकार से लिखिए ताकि आप लिख सकें।
हमारा प्रिय लेखक, देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए इसको, एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ये देखिए प्रदूषण की समस्या समाधान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंस ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और इससे इसे दूर तक फैलाइए ठीक है। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला, तो डीजे इस चैनल का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।